वेलकम टू फिट गाइडेड जी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए आपको क्या खाना है, और अगर आपको कोरोना हो गया है तो क्या खाना है रिकवरी के लिए घर पर। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, पहले तो आपको सुबह सुबह गर्म पानी पीना है। देखिए, जितना आप गर्म पानी पियोगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं पहले भी वीडियो बनाया आपको गर्म पानी क्यों पीना चाहिए। आप गर्म पानी में नींबू का रस डालकर पी सकते हो, हनी डालकर पी सकते हो, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेकारी है और जो आपके बॉडी से गंदगी निकालेगा, डिटॉक्स के लिए यूज़ होता है। और फिर देखिए, फूड की बात करते हैं, खाना का। देखिए, आपको डाइट में हाई प्रोटीन डाइट रखना है। देखिए, प्रोटीन अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए, बहुत सारे फंक्शन के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, और विटामिन में विटामिन सी आपके लिए ज़रूरी है। विटामिन सी नहीं, बहुत सारे विटामिन आपके बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है, जैसे विटामिन बी, विटामिन B12, और मिनरल्स में जिंक। विटामिन सी और जिंक आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अच्छा रहता है, तो आप ये ले सकते हैं। देखिए, विटामिन सी आपको आंवला में मिल जाएगा, पालक में मिल जाएगा, और लेमन में मिल जाएगा, नींबू में, संतरा में मिल जाएगा, सिट्रस फ्रूट। आप जितना फ्रूट खाओगे वो भी अच्छा है आपके लिए, जैसे एप्पल, सेब, संतरा, केला, जितना फ्रूट खाओगे, पपैया, वाटरमेलन। देखिए, फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो बहुत सारे बीमारी को मारता है और आपको बीमारी से दूर रखेगा। और प्रोटीन में आप चिकन ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, सोयाबीन या सोया चंक। देखिए, आप जितना वेज लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, डाइजेस्ट भी अच्छा होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन वेज नहीं लेने, पर जितना आप वेज लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अंडा ले सकते हैं। और देखिए, आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ले लेते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल बहुत बड़ा है बॉडी फंक्शन के लिए, कमी चाहिए आपके बॉडी के लिए पर रोल बड़ा है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना है आपको। या आपको सब फूड से नहीं मिलेगा, सब खाना से नहीं मिलेगा, तो आप इसका टैबलेट ले सकते हैं, मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, जिसमें आपको सभी विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। और फिर आपको हल्दी का दूध लेना है। आप दो टाइम ले सकते हैं, एक सुबह और एक रात सोने के टाइम। और एक्सरसाइज करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जिम में ही जाएंगे तो वर्कआउट करेंगे, घर पे भी आप कर सकते हैं। मैं बहुत सारा वीडियो बनाया है, ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे ये टाइम में बहुत जन स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत जन को टेंशन रहता है, तो आप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन का, तो आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा,
और आप काढ़ा पी सकते हैं। मैं काढ़ा पे भी वीडियो बनाया है, इसके फायदे, तुलसी डाल के, काली मिर्च, हल्दी और लौंग डाल के आप अच्छा सा काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। हफ्ते में 3 बार तो काढ़ा पी सकते हैं आप। तो अगर काढ़ा का रेसिपी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। और देखिए, ऑयल पुलिंग थेरेपी कर सकते हैं आप। ऑयल पुलिंग थेरेपी शीशम और कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं। मुंह में आपको 2-3 मिनट ऐसे ऐसे करना है और फिर फेंक देना है और फिर गर्म पानी से मुंह धो लेना है। देखिए, ये आपके लिए अच्छा होता है। और गर्म पानी में आप थोड़ा सा पुदीना का पत्ता डालकर उसका भाप लेना है तो आपके ब्रीथिंग के लिए अच्छा होता है वो। या अजवाइन डालकर, देखिए ये सब होम रेमेडीज है। अगर आपको कोरोना हो गया, ज़्यादा सिम्टम दिखता है, पहले आपको डॉक्टर से पास जाना है या डॉक्टर से सलाह लेना है क्या करना है। नहीं तो आप घर पे रहते हैं तो ये होम रेमेडीज ट्राई करना है। नहीं तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये कर सकते हैं। और पहला तो आपको वैक्सीन लगाना है। कोविन वेबसाइट पर जाकर या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना है और वैक्सीन लगाना है। चाहे आप कोविशील्ड लगाए, कोवैक्सीन लगाए, अभी स्पुतनिक भी तो नहीं आया है, कौन सा भी वैक्सीन लगाए, पहले आपको वैक्सीन लगाना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।